Can you believe it? Nice. कब आया? कब? फिल्म देख के अज सीरियसली मैं एक गल कहनी चाहूँगा, जिहड़ा हरभजन भाई दा ते दिलबर दा सीन सीगा, सारी फिल्म एक पासे ते ओह कला सीन एक पासे। सरदूल जी है कि ने, और कल बाबू सिंह मान जी ने भी कहा है कि उना वर्गा बेस्ट कॉमेडियन कोई नहीं। बिल्कुल जी, वह तो कमाल की मिमिक्री करते सीगे, वह मतलब एहो जिहे करैक्टर दीआं गल्लां उन्होंने दसियां ते जिहड़े वह मतलब अपनी रियल लाइफ दे विच जिन्हां नाल वाह पैंदा, और इन्ना हसाउंदे सी और इन्ना कमाल दे इंसान, मैं कहना भी मतलब सदियों बाद ही यह इंसान पैदा होता, और इन्ने हम्बल और इन्ने ग्रेट और इन्ने सुरीले और हर पक्षों सर्व कला संपूर्ण सी भाजी, और अज असी बहुत मिस करते हैं। पर एक गल की मैं खुशी है कि मैं उन्होंने गल्ला करदा तो सारी उम्र मैं देखता रहागा उन्होंने गल्ला करता फिल्म के जरिए, और मैं बहुत चंगा लगे उन्होंने काम। सो पीआर फिल्म फाइनली जी है सिनेमाघर लग चुकी है, एंड उस डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस देखे गए हैं, एंड ऑफकोर्स जो स्पेशलिटी मंजी के नाल होंगी है वह भी वेखी गई है। सो करैक्टर्स नाल लीड नाल गल करना चाहवागे, साढ़े नाल ने करमजीत अनमोल जी एंड दिलबर, पहले तो बहुत सोहने लग रहे हो, एंड कंग्रेचुलेशन फॉर योर डेब्यू। धन्यवाद, मेहरबानी, मैनु बहुत ही वधिया लग रहा है फिल्म वेख के, आई मीन मैजिकल फील हो रही थी सीरियसली। जी ब्यूटीफुल। सो एक पुलिस यूनिफॉर्म पा के कैनेडा ली, फील की सिगा? बहुत गुड फील आया जी, ते बाकी फिल्म देख के अज सीरियसली मैं एक गल कहनी चाहूँगा, जिहड़ा हरभजन भाई दा ते दिलबर दा सीन सिगा कि सारी फिल्म एक पासे ते ओह कला सीन एक पासे, और इन्नी रियलिटी उहदे च बयान कीती है, और इन्हां दी परफॉर्मेंस अमेजिंग, मतलब पहली बार इन्हां नूं पर्दे ते देखिया और इन्ना कमाल दा काम कीता, और वह सीन तो मतलब हर एक बंदा मतलब जिन्ना जिन्नी देर वो सीन चलता रहा तो बिल्कुल ऐ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थिएटर। क्लाइमैक्स सीन की गल कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, वही सीन एडा कमाल का सीन सी, और वो रियलिटी भी है पंजाब की अज्ज की। सो बहुत चंगा लगे जी बंजी नाल काम करके, हरभजन जी नाल, बाकी जिनी कासी सरदूल भाजी नाल, नूरी जी, कमल जी, नीरू जी, कमलजीत सिंह जी, सारे नाल ही बड़ा मज़ा आया, दिलबर आ रहा नाल काम करके वधिया लग्या, और बाकी आर्टिस्ट जिन्हें भी सारे बहुत मज़ा आया। सो तुसी जिद्दां फिल्म कर रहे सी इहनां दे नाल, है ना, तुहानूं तुसी इहनां नूं इहनां बारे फिल्मां देखियां होईयां सीगियां, किस तरह दा बॉन्ड तुहाडे सैट ते शेयर मतलब तुसी करदे रहे हो, क्योंकि मैं सुणिया कि 20-25 दिन मतलब मेला लग्गिया होया सीगा फिल्म कादी सी, हासियां खेडियां दे नाल एक फैमिली बॉन्ड वांगू ही फिल्म बन गई। हाँ जी बिल्कुल, एक फैमिली वाला बॉन्ड, परिवार वाला माहौल बन गया था, ऐसा बिल्कुल पिकनिक जैसे गए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शूट पे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं, मेमोरीज हैं, हमेशा यादगार रहेंगे, और अभी तो मुझे दुख हो रहा है कि खत्म हो गया अब। नहीं अभी शुरू होगा, इन्होंने कहता है इस टीम के नाल मैनू बहुत ही वधिया लगा काम करके सीरीज। अच्छा करम जी, ये वाला जो फ्लेवर है ना सिनेमा दे उत्ते बहुत टाइम तो बाद देखे है, मंजी का एक फ्लेवर, हरभजन मान जी का, है ना, एक मैं समझ नहीं आती कि तुसी सारे ने उम्र नू कित्थे बन के आ गए हो, तुसी आई कांट बिलीव हरभजन दी एजिंग कर रहे हैं, है ना, इन्हां दा भी सेम है, ये पता नहीं कित्थे उम्र नू बन के आ गए ने, सीक्रेट के पता नहीं, मैं तो है ही छोटा खैर। मैं बहुत बहुत इन्हों का हाइट बहुत उच्ची है, टैलेंट है। अच्छा मैं सुन रही थी स्लैंग नू लैके, तुहाडी बहुत फिल्मों के ऑलमोस्ट स्लैंग दे नाल एक्सपैरिमेंट होंदा, यूजुअली लुक्स दे नाल होंदा, ये वाला जिहड़ा खड़िया होवा साडे नाल, है ना, गया होवा उथे, ये मैं दुआबे दे विच सुनिया सी, है ना, जिहड़े दुआबे दे लोग ने वो इदा उथे गया होवा उथे करदा होवा, है ना, इदां दा मतलब बोलते हैं, तो उत्थे जिहड़े रहिंदे आ जिहड़े कई भरा साडे मेरे वर्गे जिहड़े थोड़ी मोटी अंग्रेजी आती है, तो फिर वो अंग्रेजी ते पंजाबी नूं ऐसा मिक्स करते हैं कमाल लगा, इंजू बली बट्टा वो फिर तुहाडा बहुत फिट हो गया सिनेमा घर चो बाहर आंदे हर बंदा यही बोल रहा सीगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुसी ने ट्राई कीता ना दा बिलीव इट वाली गल बोलण दा ट्राई नहीं जी? कैन यू बिलीव इट? नाइस। कब आया? कब बड़ा बहुत कब्बा आया, कब्बा आया जी। सो असी अज फिल्म देखी है ना, सारे ने सरदूल जी ने भी मिस किया है समहाउ, पर उनकी प्रेजेंस बहुत सोहने तरीके नाल विखाई गई है, तुहानू एक बार जरूर पूछना चाहवांगे किस तरह की मैमरी तुसी शेयर करना चाहोगे, क्योंकि कहिंदे कि जो फिल्म दे विच वेख्या है आलाप दस रहे सी वी ओह घट है, तुसी आम देखिया ही नहीं कि सरदूल जी है कि ने, और कल बाबू सिंह मान जी ने भी कहा है कि उना वर्गा बेस्ट कॉमेडियन कोई नहीं गा। बिल्कुल जी, वो तो कमाल की मिमिक्री करते सीगे, वो मतलब एहो जिहे करैक्टर दीआं गल्लां उन्होंने दसियां ते जिहड़े वो मतलब अपनी रियल लाइफ दे विच जिन्हां नाल वाह पैंदा, और इन्ना हसाउंदे सी और इन्ना कमाल दे इंसान,
मैं कहना भी मतलब सदियां बाद ही यहोजा इंसान पैदा होंदा और इन्ने हम्बल और इन्ने ग्रेट और इन्ने सुरीले और हर पक्षों सर्व कला संपूर्ण सीगे भाजी और अज असी बहुत मिस करते हैं। पर एक गल की मैं खुशी है कि मैं उन्होंने गल् करदा तो सारी उम्र मैं देखता रहा उन्होंने गल् करता फिल्म के जरिए और मैं बहुत चंगा लगे उन्होंने काम कर। सो लास्ट एंड लीस्ट कहना चाहवागे करमजी, जो तो कोई फिल्म आती है तो मैं लगता है कि जिते फिल्म की टीम फैमिली बन के काम करती है पूरी इंडस्ट्री भी फैमिली होंगी है। सो इंडस्ट्री और ऑडियंस में की कहना चाहोगे, क्योंकि यहोजी फ्लेवर वाली फिल्मों की एक्सैप्टेंस होनी बहुत जरूरी है सो दैट होर अच्छी फिल्म आ। बिल्कुल जी, जी जोड़ी ने साडा पंजाबी सिनेमा मुड़ सुरजीत किया मनमोहन सिंह जी ते हरभजन मान जी, साडा एक सत्कार वजों भी फर्ज बनता साडा पूरी इंडस्ट्री का कि फिल्म को प्रमोट भी करिए और देखिए। दोनों बहुत बहुत शुक्रिया हासे लगाने फिल्म के एंड एक सोहना सुनेहा लैके आने के लिए। वेलकम टू द इंडस्ट्री, सो थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। सो बस जी साढ़े नाल सके करमजीत अनमोल एंड दिलबर, फिल्म सी पी आर रिलीज़ हो चुकी है। फिलहाल तुम देखते रहो सिने पंजाबी, दो इजाजत, सत श्री अकाल।